मैं चाहूंगा कि अपने सचिन अपनी बात कहे। आप 11 12th यहीं थे और बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहे। मेरा नाम सचिन बुलचंदानी है। मैं जब 10th करके CLC आया, पहले मेरा भाई भी यहाँ से सेलेक्टेड था, तो पापा ने मेरे को यहाँ छोड़ दिया। पहले मैं बहुत डरा हुआ था कि ऐसे घर से बाहर रहेंगे, सब लोग कहते थे कि बाहर रहना आसान नहीं है, मुश्किल है। फिर यहाँ पे आया, यहाँ एकदम घर जैसा माहौल मिला। शाम को असेंबली हुआ करती थी, बॉस भी सबसे बातें बातें करते थे, एकदम नॉर्मल। यहाँ पे फिर सब कुछ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 11th में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। फिर ऐसे 12th में ऐसे लॉकडाउन लग गया, तो लगा कि अब बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर लॉकडाउन लगने के 10-15 दिन के अंदर ही ऐसे हमारे ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई थी। उसके बाद फ्री आपको हमने एक दिन नहीं किया भाई। 16 अप्रैल से 2020 से लेके और एग्ज़ाम आपका था 3 अक्टूबर तक, शायद फ्री एक दिन ही छोड़ा आपको लोगों ने। उसके बाद लॉकडाउन में बॉस का पूरा मोटिवेशन मिलता रहा। बॉस लाइव भी आते थे फेसबुक पे, और भी व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना रखे थे, ऐसे डाउट पूछने के लिए भी टीचर्स के ग्रुप भी थे। तो लॉकडाउन में पूरा सपोर्ट रहा। उसके बाद लॉकडाउन खुलते ही मैं यहाँ पे आ गया था। पहले मैं 11th में वंदे मातरम हॉस्टल में था, फिर लॉकडाउन के बाद मेरे को बी बिल्डिंग में आ गया। बी बिल्डिंग में ऐसे सब मिल के ऐसे डाउट आउट डिस्कस करते थे, पेपर सॉल्व करते थे उसी टाइम पे, और सब कुछ जो भी प्रॉब्लम आती थी टीचर से पूछ लेते थे। बी बिल्डिंग में अच्छा सा ग्रुप था, उससे पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद भी मैं जैसे मेंस का पेपर हुआ था, फिर JEE एडवांस के लिए काफ़ी डरा हुआ था। सब कहते थे ऐसे बहुत हार्ड पेपर होता है। फिर ऐसे JEE एडवांस से 1-2 महीने पहले से JEE एडवांस की प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज बुक दी, उसको सोल्व करने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद सेलेक्ट हो गया, बड़ा आराम से हो गया। तेरा सही काम है यार, थैंक यू।